स्कॉर्पियंस, वेलकम टू ग्रो माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस तीसरे हफ्ते में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Star, Queen of Pentacles, Ten of Chalices, Four of Wands, Seven of Wands। तो हमारे पास Queen of Pentacles का कार्ड है। स्कॉर्पियंस, आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आप अपने जीवन में रोमांस के अलावा भी बहुत कुछ चाहते हैं। इनफैक्ट आप प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको प्रपोज करे या कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा हो, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना चाहता हो, पर कहीं ना कहीं इनको डाउट है कि आप इसके लिए रेडी हैं। टेन ऑफ चालीसेस के साथ आपके बीच में प्यार बहुत है, कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है। जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो यू नो दुनिया जाए भर में और आप एक अलग ही दुनिया में होते हैं। तो ये एक अमेजिंग चीज है एंड इस कनेक्शन को आप दोनों ही बहुत ज्यादा चेरिश करते हैं। पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं पैसों के बारे में या फ्यूचर के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, जो कि गलत नहीं है कहीं से भी। स्कॉर्पियंस, डेफिनेटली लाइफ में स्टेबिलिटी हर किसी को चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं एंड उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना पड़ता है। तो ये पर्सन जानता है कि आप मैच्योर हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है इस बात के लिए कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं या एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं, पर डेफिनेटली उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इसकी वजह से आप उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे या आप इस रिलेशनशिप को इस पॉइंट पे, नेक्स्ट स्टेज पे नहीं ले जाना चाहते या आप कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं इसमें कोई भी सीरियस स्टेप लेने से पहले। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स काफी स्मार्ट है। इस पर्सन को पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि कोई भी फैसला बहुत सोच समझ के लेता है और उन्हें पता है कि आपसे सिर्फ ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप इमोशंस में आके कोई ऐसा फैसला ले रहे जो बाद में आप दोनों के लिए एक परेशानी बन जाए और कंटिन्यू करना मुश्किल हो। तो द स्टार के साथ स्कॉर्पियंस, इस पर्सन को लगता है कि उन्हें वो मिल गया है जो वो चाहते हैं, हर चीज उनके हिसाब से चल रही है। पर एक चीज है जो इन्हें परेशान कर रही है, वो ये कि क्या वो आपके काबिल हैं, क्या वो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएंगे या क्या वो एक अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं लॉन्गर रन में, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर पाएंगे। ये सारी चीजें ये पर्सन सोच रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को डिफेंड तो करेगा कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए या यू नो किसी वजह से वो अभी आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे हैं, पर यू नो ये पर्सन चाहता है कि वो सारे वॉन्ड्स को करेक्ट कर ले। जो कुछ भी बिखर गया था या जो कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल था उसको ये ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं
आई मीन जनरली ये पर्सन इंटरेस्टेड है आपके साथ एक फ्यूचर में और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके और उनके बीच में अब कोई ऑब्स्टेकल्स या इश्यूज ना रहे. ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल बनने की भी पूरी कोशिश कर रहा है. बॉन्ड्स के साथ आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, पर ऑफकोर्स चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो साइन कोई भी हो सकता है, इतना भी स्पेसिफिक होने की या कोई आवश्यकता नहीं है. जनरल रीडिंग है ये तो सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपको पिछले वीक की रीडिंग का लिंक और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. King of Chalices. Nine of Wands. Green man. Ace of Athens. And Six of Athens. तो हमारे पास द ग्रीन मैन का कार्ड है. द ग्रीन मैन के कार्ड के साथ डेफिनेटली आप एक रियल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो भी आपके बीच हो रहा है, इस तरह का जो डिस्कशन है जो आपके बीच में हो रहा है, ये एक हेल्दी डिस्कशन है और इसमें कोई बुराई नहीं है. भले ये चीजें भी आपको ऑब्स्टेकल नजर आ रही हैं, पर ये किसी भी रियल रिलेशनशिप के पीछे की सबसे बड़ी पिलर है. एंड किंग ऑफ चैलिसेस के साथ आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उन्हें पता है कि उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, और अच्छी बात है कि ये पर्सन इस चीज के लिए तैयार भी हैं. हालांकि उससे पहले थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच जरूर हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ एटम्स के साथ ये पर्सन हो सकता है आपसे ये कहे कि आप उनसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चीजें इतनी जल्दी नहीं हो सकती, उन्हें कुछ वक्त चाहिए, या आप उन्हें समझ नहीं रहे हैं. हो सकता है ये बातें आपको इरिटेट करें, जो कि डेफिनेटली करेंगी, और आप सिक्स ऑफ एथम्स के साथ इस कनेक्शन से दूर जाना चाहें. कोई बात नहीं, यूनिवर्स आपसे कह रहा है बस अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि दूर जाके आप बेहतर महसूस करेंगे तो वो भी करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपका लवर है, ये वैसे भी कहीं नहीं जा रहा. आपके बीच में सर के ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, मगर ये ऑब्स्टेकल्स कोई ऐसा नुकसान आपको नहीं कर सकते जिससे कि आप एक दूसरे को खो दें हमेशा के लिए. और नाइन ऑफ वॉन्ड्स के लिए ये पर्सन रेडी है. इन्हें पता है कि इन्हें आपके सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा, और ये देंगे, क्योंकि डेफिनेटली किसी भी रियल रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को जानना जरूरी है, हर चीज को क्लियर करना जरूरी है. चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज है. School. The answer that you are seeking involves going to school. तो यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने लाइफ में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में हुआ है आज तक, वो आपके लिए एक लेसन की तरह है जो आपके पास में ऑलरेडी है. तो यहां पे स्कूल से मतलब है उस प्रोसेस का जिसमें आपने हर चीज को सीखा और आप मैच्योर हुए. उस पास्ट में जाने की जरूरत है आपको, उस स्कूल में जाने की जरूरत है, उस वक्त में जाने की जरूरत है जब आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए.
आप अपने पास से बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसका जवाब आपके पास है, आप पहले भी इस तरह की सिचुएशन से बाहर आए हैं। ओके, ये टैरो आपको याद दिला रहा है। तो ये है रीडिंग अगस्त के थर्ड वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।